अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाफिज जैन मोबाइल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज हमारा नया स्टॉक आ गया हुआ है गूगल पिक्सेल का, तो आज मैं आपको गूगल पिक्सेल का फ़ोन दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको रेट भी बताऊंगा और इसकी मार्केट वैल्यू भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे इम्पोर्टेड फ़ोन्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गूगल पिक्सेल 3 जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरे सामने इस वक्त पड़े हैं, मैं आपको थोड़े कुछ इसके पीस निकाल के चेक भी करवा देता हूँ। ये है गूगल पिक्सेल 3, सिंपल वाला है, 3A नहीं है। कंडीशन तकरीबन साफ है, कलर सारे मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, इसमें वाइट कलर भी मिल जाएगा और इसके अंदर एक ये कलर आता है जो कि रोज़ गोल्ड भी कहलाता है और पिंक कलर भी कहलाता है, ये भी आपको कलर मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा फ़ोन है, हैंडी फ़ोन है और कम रेंज वाला फ़ोन है ये। काफ़ी लोग कह रहे थे कि कम रेंज वाला फ़ोन भी हम लोगों को चाहिए, तो कम रेंज वाला फ़ोन आया तो हमें बताइएगा। सबसे पहले इसके स्पेक्स की बात हो जाए कि इसके अंदर स्पेक्स क्या कंपनी ने डाले हैं। तो बेसिकली गूगल पिक्सेल गूगल का स्पॉन्सर्ड फ़ोन होता है, गूगल का पीछे से ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन होता है। तो इसके अंदर 4GB रैम, 64GB बिल्ट इन मेमोरी होती है, मगर 4GB रैम इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मैंने आपको बताया है गूगल से ऑप्टिमाइज्ड होता है ये फ़ोन। गूगल जो है इसकी अच्छी परफॉर्मेंस अंदर इसके डालता है ताकि आपको ये हैंगिंग या आपका लैग ना हो फ़ोन। तो आप इसका कैमरा यूज़ करें या आप इसके अंदर कोई चीज़ और यूज़ करें, आपका फ़ोन जो है तकरीबन लैग नहीं होगा। लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर अपडेटेड है ये फ़ोन और साथ ही साथ दोस्तों इसकी 64GB जो बिल्ट इन मेमोरी है, अगर आपको लग रहा होगा 64GB कम होती है तो साथ ही मैं आपको बता दूं क्योंकि गूगल का फ़ोन है तो फोटोज़ के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर अपनी होती है, फ़ोटोज़ के ऊपर आप सारी चीज़ें अपलोड अपनी कर सकते हैं अगर आपका गूगल अकाउंट सिक्योर है। गूगल अकाउंट सिक्योर करके अपना आप गूगल अकाउंट के अंदर अपने सारी फ़ोटोज़ जो है वो हाई क्वालिटी से हटा कर नॉर्मल क्वालिटी पर आप अनलिमिटेड फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दो तो इसके साइज़ के ऊपर अगर आए तो ये बिल्कुल हैंडी साइज़ है, तकरीबन 4 कुछ इसका जो है इंच साइज़ है इसका और काफ़ी अच्छा हैंडी फ़ोन है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह तो एक मेरे पूरे हाथ में आ जाता है ये फ़ोन, A100 फ़ोन है। फ्रंट पर इसके आपको 2 कैमरे मिलते हैं, डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि एक जूम कैमरा होता है और एक बैक कैमरा होता है, वाइड एंगल कैमरा होता है। बैक पर भी आपको जितने 2 कैमरे मिलते हैं मगर एक कैमरे के अंदर ही 2 ऑप्शन आपको दिखती हैं। इसके अंदर 1x का होता है और 2x, 2 आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं जो बैक कैमरे के अंदर है, मगर कैमरा आपको पीछे एक ही नज़र आता है। फ्लैश लाइट लगी हुई है, फिंगर लॉक आपको इम्प्रिंट मिलता है जो पिक्सेल का इम्प्रिंट है, अच्छा इम्प्रिंट है और फास्ट इम्प्रिंट आपको मिलता है इसके अंदर। अच्छा दोस्तों इसकी वैल्यू की अगर बात की जाए कि मार्केट में पिक्सेल की या गूगल की वैल्यू इस वक्त क्या चल रही है, तो जिस तरह की आपको पता है कि हर एक बंदा जो है वो अपना ब्रांड चेंज कर रहा है, काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं ब्रांडेड फ़ोन लेने के लिए, जिस तरह वन प्लस हो गए, गूगल पिक्सेल और आपका ये मोटरोला वगैरह, ये काफ़ी लोग जो है ना वो आ रहे हैं हमारे पास और अपना ब्रांड जो है वो चेंज कर रहे हैं कि हमने ये फ़ोन लेना है इस वक्त, या ये फ़ोन मोटरोला में लेना है या हमने गूगल पिक्सेल में लेना है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारे लोग इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक ब्रांडेड फ़ोन होता है, तो हर बंदा जो है इस वक्त जो है अपना कन्वर्ट कर रहा है ब्रांड। बेसिकली जो इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो है तो बहुत अच्छे, बैटरी इनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं, मगर परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स सुनी है कि काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं कि हैंग होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे इसके अंदर डाटा आता रहता है फ़ोन हैंग स्लो होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हर एक बंदा जो है वो वन प्लस में, गूगल पिक्सेल में, इस साइड पर आ रहा है सैमसंग में। तो दोस्तों ब्रांडेड फ़ोन ब्रांडेड ही होता है, ये वैसे ही एक्सपेंसिव फ़ोन है, एक्सपेंसिव कंपनी है गूगल पिक्सेल। अगर इसकी बैटरी की मैं बात करूँ, इसके अंदर 2700 mAh बैटरी होती है, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं यार आप बेसिक चीज़ बैटरी तो बताती नहीं हो, तो 2700 या 2800 mAh बैटरी होती है, मगर आपका अगर नॉर्मल इस्तेमाल है फ़ोन के ऊपर तो ये आपका पूरा दिन निकाल जाएगा। और अगर दोस्तों आपका जो है ज़्यादा इस्तेमाल है फ़ोन के ऊपर, आप यूज़ ज़्यादा करते हैं फ़ोन को, तो कम से कम आपको एक दफ़ा दिन में दोबारा चार्ज ये फ़ोन करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है इसके पैसों के ऊपर कि इसके पैसे, इसके क्या डिमांड है मार्केट में, क्या वैल्यू है। जिस तरह की आप देख सकते हैं मेरे पास मतलब बल्क में सामान आया है, अभी तकरीबन 50 pieces मेरे और भी लगे हुए हैं, वो भी आ जाएंगे मेरे पास 2-4 में, वो भी अवेलेबल आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आपको वीडियो पहले ही बता दूं, क्योंकि जब हमारे पास डिमांड आने शुरू होती है, ऑर्डर आने शुरू होते हैं, तो हमारे पास सामान ख़त्म हुआ होता है।
तो अभी इसका बल्क में मेरे पास सामान पड़ा हुआ है। डोंट वरी, जब भी आपको चाहिए हो, हफ्ते डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते तक भी मेरे पास सामान इसका अवेलेबल होगा, गूगल पिक्सल 3 सिंपल। तो दोस्तों इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो इसका आप वॉल एक्स पर भी रेट देख सकते हैं, हर जगह आप रेट देखेंगे आपको इसका जो है 25,000 ही रेट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो मगर जिस भाई को मेरे से फ़ोन चाहिए होगा उसे फाइनली 24,000 का मिल जाएगा, 24,000 रुपये का। मगर मेरे फीस होंगी, गारंटी होगी कि इसकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी, फ़ोन ओरिजिनल कंडीशन में होंगे, आपको बिल्कुल पैक कंडीशन में होंगे, कोई फ्रंट कोई बैक चेंज नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी कस्टमरों ने मेरी शॉप पर आकर मुझे कहा कि यार गूगल पिक्सल हमने सुना है कि चेंज हुआ होता है, सारा इसका हर एक चीज़ चेंज हुई होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्वालिटी हर तरह की आती है मार्केट में। मेरे पास जिस भाई को भी चाहिए होगा वो ओरिजिनल क्वालिटी में फ़ोन उसको मिलेगा, कोई चीज़ उसकी चेंज नहीं होगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी होगी। तो जिसने भी लेना हो ये फ़ोन मुझसे रब्ता कर सके, आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता किया करें। इसके अलावा भी कोई अगर आपको फ़ोन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल्स वगैरह बता दूंगा। हमारा व्हाट्सएप का जो टाइम होता है स्टार्ट, हम जाके 1 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम सारे रिप्लाई वगैरह करते रहते हैं, जो चीज़ किसी को चाहिए हो, ना रात को करते हैं ना हम सुबह सुबह करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट का शुक्रिया, ताकि हम इसी तरह वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें फ़ोन के हवाले से। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।